आइस बाथ क्या लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए? आइस बाथ या आइस सेकना, ठंडा सेकना उस जगह किया जाता है जहां पर चोट लगी है, जहां इंजरी है, जहां पे इंफ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रही है। सो अगर आप कोई इंपैक्ट स्पोर्ट खेलते हैं, आप बॉक्सिंग करते हैं, जूडो कराटे करते हैं और बहुत खतरनाक मैच के बाद लगी पड़ी है सारी, पूरा उसमें जाके आप थोड़े देर के लिए आइस बाथ में आ गए, आपको उससे बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि पूरी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो सकता है, उसके रिस्क भी है। फुल बॉडी इमर्शन से हाइपोथर्मिया हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, धड़कन लो हो सकती है, कार्डिक शॉक्स आ सकता है, पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसलिए फुल बॉडी इमर्शन इज नॉट रिकमेंडेड, जहां जहां चोट है वहां वहां बर्फ लगाते हैं। और कुछ लोग अब हैवी एक्सरसाइज के बाद जाके फुल बॉडी इमर्शन करते हैं, कई ट्रेनर इसको रेकमेंड करते हैं, ये टेक्निकली कोई खास यूजफुल नहीं है। ये सिर्फ मसल के ऊपर जो दर्द होता है उसके थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन टेक्निकली मसल ग्रोथ के लिए इट इज नॉट रियली बेनिफिशियल, बल्कि उसका उल्टा काम करेगा, मसल में ब्लड फ्लो कम कर देगा, फायदा कुछ होगा नहीं।